अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़, NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। करें तो पुराना 2011 में उन्होंने एक 302, 379, 201, 376 एक फैमिली में यादया, गीता, चंदू बोल के है, ये तीन जने को मारे। उसका वाइफ को रेप करके ये लोग मारे। उसमें तीन एक्यूज थे, फयाज और नरेश बोल के भी। ये पूरा लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट गिरा। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2014 में, 6/6/2014 में ये लोग इसके ऊपर खिलाफ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, जेल में थे। और पुराना 2010 में इसके ऊपर 2 HBB नेट केसेस है और 11 में 2 रॉबरीज केसेस है। इसके अलावा भी 2 स्नैचिंग केसेस, 1 रॉबरी केस और 2 मर्डर केस 2011 में पिलर नंबर 127 कने एक बेगर सो गए तो उसके ऊपर पत्थर मारे। 302, 379 ये भी पत्थर मार के पैसे खींच लेके चले गए थे। ये 2 मर्डर केसेस भी एक्विटल हुए थे उसके खिलाफ में। 1 केस में लाइफ गिरा और उसके बाद में जो कल अपने कने उन्होंने जो 3 जने को मर्डर करा, 1 जने कने 8 तारीख जो मर्डर करे उसके कुछ नहीं मिला। और फर्स्ट मर्डर यहाँ पर 2 बजे के तकरीबन अर्ली आवर्स में कजारिया अपना स्वप्ना थिएटर के नज़दीक में रहता, वहाँ पर सो गए। सो आदमी को मारे, 400 रुपये ले लिए उस कने से। उसके बाद में उन्होंने रिटर्न में अपना जो चादर बेचने वाले है उसकने एक 1500 मिला। ये मध्य प्रदेश उज्जैन रहने वाले है, उसका नाम प्रकाशन। और ये 2 मर्डर और वो पुराना 8 तारीख के दिन मर्डर, 3 मर्डर केस डिटेक्ट हुए उसके खिलाफ में। इन्हों 29/10/2022 को जेल से रिलीज हुआ। इसके खिलाफ में अभी पूरा देखे तो तकरीबन अपना 6 मर्डर केसेस हो रहे और 2 रॉबरीज हुए, 2 HBs हुए और 1 स्नैचिंग्स भी हुए। ये आदमी जो है एक फेरोशियस एक्यूज्ड दिख रहे। अभी इसके लिए हमारा कमिश्नर पुलिस श्री साइबराबाद श्री स्टीफन रविंद्र साहब, ये लो एक केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी लाके अपना जो बेगरी प्रवीण है उसके खिलाफ में मुकदमा चला के कोर्ट में अदालत में जल्दी के जल्दी उसको हम पुराना हिस्ट्री है, पूरा एविडेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्यूज है, फिर 3 मर्डर करें, अभी जल्दी ट्रायल करके उसको फिर भी फिर एक बार सज़ा मिलने के लिए पुलिस वाले कोशिश कर रहे। अभी ये एक्यूज को अदालत के सामने पेश करते। सर मेन मर्डर्स क्या है, मर्डर्स करने का मेन रीज़न क्या है? अभी आपको बोले ना भाई, पैसे के लिए कर रहे, छोटा मोटा पैसे उन्होंने पीता, अभी देखो निशा में रहता पीता। सो वो बीच में उन्होंने क्या करता, अभी जरा वो फेरोशियस बिहेवियर है उसका आदमी को। इतना सीरियस क्रिमिनल है वो, जेल से आने के बाद में पुलिस की तरफ से उनके ऊपर निगाह, पुलिस के तरफ से निगाह तो है लेकिन रोज़ हर एक आदमी के पीछे नहीं रहते ना।